इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल 12.1 को। इसमें बताया गया है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर, और हमें मालूम है करंट को आई से डिवोट किया जाता है और ये होता है 0.5 जो कि गिवन है। इट्स ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब के जरिए से इतना अमाउंट करंट ड्रॉ किया जा रहा है फॉर 10 मिनट्स। यहाँ हमें टाइम गिवन है 10 मिनट्स, और आपको मालूम होना चाहिए कि टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए, और मिनट को अगर हम कन्वर्ट करें सेकंड में तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, यानी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये टाइम की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 600 सेकंड्स। हमें पता करना है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोस थ्रू द सर्किट, ठीक है। और चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, है ना। और इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए, क्यू अपॉन टी, जो हमने थ्योरी में देखा था, जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो जो वैल्यूज यहाँ पर गिवन है, जैसे हमें आई की वैल्यू गिवन है 0.5 एम्पीयर, और क्यू की वैल्यू नहीं मालूम, मगर हमें टाइम मालूम है 60 सेकंड में, ठीक है। तो अगर मुझे क्यू की वैल्यू चाहिए तो 600 जो कि डिवाइड में है, जब ये 0.5 के पास जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड से कोई चीज जाती है तो मल्टीप्लिकेशन में होती है ट्रांसपोजिशन पर। तो 600 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो ये हो जाएगा 3000। और देखिए यहाँ पर एक डेसिमल है तो एक डेसिमल यहाँ पर आएगा, यानी जो हमारा जवाब होगा वो 300 होगा। तो फाइनली हम यहाँ लिखेंगे 300 कूलम, क्योंकि हमें यूनिट भी बतानी होती है, ठीक है, चार्ज की यूनिट होती है 300 कूलम। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोस थ्रू द सर्किट। आई होप आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि मैं सारे सवालों को सॉल्व करूंगा। इसकी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेंगी सारी, ठीक है, और लिंक भी दे दिया जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।